मैं मनोज कुमार शर्मा जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं इस पूरे आंदोलन का समर्थन करता हूँ, तन मन धन से समर्थन करता हूँ। उसका कारण है कि मैं अपने आप को जात बिरादरी से उठाकर एक नागरिक की हैसियत से देखना चाहता हूँ। जब मैं अपने आप को नागरिक की हैसियत से देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि एक जगह पर कुछ कारणों से घटनाएँ हुई, आपसी तनाव हुआ, दंगे हुए। अब उसमें देखने में क्या आता है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या है कि सरकार एक गुट को उठाकर उसको आतंकवादी घोषित कर देती है, उसके लोगों को पकड़ के उनको मारना पीटना शुरू कर देती है, जबकि साक्ष्य ये बताते हैं कि उन लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ है, ये प्रॉपर दिख रहा है। दूसरा पक्ष जो है उसको सरकार बचा रही है, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि हम जो है एक जो अब से आज़ादी से पहले जो व्यवस्था थी, मनुवादी व्यवस्था, जिस पर ब्राह्मणों ने, मेरे पूर्वजों ने दलितों का उत्पीड़न किया, उसमें वो वापस ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं नए भारत का युवा होने के नाते, ये देश आज के दिन में अंबेडकर के संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। तो उस संविधान को सर्वोपरि रखते हुए मेरा मेरे दलित भाइयों को समर्थन है, और मैं सर्व समाज से, मेरे ब्राह्मण भाइयों से भी बोलूँगा कि जाग जाओ, वरना ये समाज आज के दिन तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। ये समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा।